हाय फ्रेंड्स, योगमाई की यात्रा में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम थोड़ा सा हटके ट्रैवल की बजाय घर में बैठकर मेथी के लड्डू बनाएंगे। ये मेथी के लड्डू डिलीवरी के बाद में या फिर आप ठंड में इसको खा सकते हैं, या आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो आज मम्मी आप सब लोगों को मेथी के लड्डू बनाने की विधि बताएंगी, और इसकी जो रेसिपी है, जो डिटेल में जितने भी इन्ग्रीडियंट्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे लिख कर बता दूँगी। पाउडर घी गरम करके इसमें मैंने भिंगो दिया है। ये मेथी पाउडर 8 दिन तक भिंगो रखेंगे और ढककर रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रखना है इसको। काजू और बादाम को ड्राइड रोस्ट कर लें। ये 100 ग्राम अखरोट है और 100 ग्राम ये पिकॉन है, ये भी एक तरह का अखरोट आता है। इनको ये गरम काजू और बादाम में डाल के मैं गैस बंद करके फिर गर्म में डाल दिया। तो इनको थोड़ी देर आधा मिनट चलाया और इनको गर्म ही रहने दिया। मक्खनों को भी अच्छी तरह से सूखे भून लिया। ये मक्खने मैंने सेक के रख लिए, ठंडे हो गए। अब मैं इनको और मैं पीसूंगी। अब ये पीस चुके हैं, अब मैं इनको एक बोल में निकाल लेती हूँ। एकदम बारीक हो गए ये मक्खने। ये काजू बादाम अखरोट और पिकॉन मैंने सूखे भून के रख लिए थे, अब इन ठंडे हो गए हैं। अब इनको मैं मिक्सर में पीसूंगी। इनको थोड़े दूर पीसना है, एकदम बारीक नहीं कर दी। ये दरदरा पीस लिया मैंने पूरा, थोड़ा सा मोटा हो तो आप फिर से निकाल सकते हैं पीस के, पर ये पूरा पीस लिया दरदरा। ये पीसे हुए मक्खने और किशमिश भी मैं काजू बादाम में मिला दूंगी, और इसमें एक नारियल गोला भी डालते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो नारियल गोला पीस के भी डाल सकते हैं। अब ये खारे छुआरे पूरे पिघल गए हैं, पेस्ट जैसा बन गया है इसका। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको हल्का चलाती रहूँगी, और इसमें सब काजू किशमिश बादाम अखरोट मक्खने सब मिला दूँगी। अब इसमें मैं ये पीसे हुए मक्खने बादाम खारिक सब मिला दूंगी। ये खारिक में सारे मसाले, ये मेवा मिला दूंगी सर, हाँ सूखा मेवा। अब इसके बाद मैं अलग से घी गरम करके इसमें डालूंगी। ये मेथी पाउडर 8 दिन तक मैंने भिंगो के रखा। अब मैं इसको गैस ऑन करके थोड़ा गरम करूंगी ये घी पिघलने तक। ये काजू बादाम खारी अखरोट सबके मिश्रण में अब मैं शक्कर का बूरा डाल रही हूँ। शक्कर का बूरा अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितना मीठा खाना हो आपको। इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, पर मैं अभी शक्कर का बूरा ही डाल रही हूँ, थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि इसमें खारी भी मिले हुए हैं। अब इनको सबको मिला देंगे। 1 कप शक्कर का बूरा मैंने मिला दिया, आप स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। अब मैं इसमें मेथी जो घी में पिघली हुई थी उसको मिला दूंगी, जो भिगोई हुई थी 8 दिन की उसको मैं मिला दूंगी इस मेवे में। अब ये मेथी पाउडर भीगी हुई मेथी भी इसमें मिल गई है, सब मसाले वो मेवे मिल गए। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ,
घी पिघला के दो तीन कड़छी मैंने घी डाल दिया है। अब मैं इसको मिलाऊंगी। अब मैंने ये घी मिला दिया है और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। That's all from now। और आप सब लोगों को मेथी के लड्डू कैसे लगे इसके बारे में आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। मैं मम्मी यहाँ पर हैं और उनसे पूछकर आपको जवाब देती हूँ उनके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल योग माया की यात्रा। और फिर से मिलते हैं अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ट्रैवल द वर्ल्ड।